कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला। सो क्या सो सारे स्वागत है आपको मेरे से यार के में नमस्ते सभी को। सो लोगों का आज मैं रिसेंटली देखा एक डाउट आ रहा है कि भाई ये बताओ कि जो फीस है जो हम बी करते हैं तो उसके कैसे होते हैं। जैसे जहाँ तक मुझे सबको याद होगा कि अपने बी टेक के टाइम पे कैसा होता था कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि हम हर सेमेस्टर सेमेस्टर करके फीस पे करते थे, तो क्या एमबीए में भी ऐसा होता है कि ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर करके फीस पे करते हैं। द आंसर इज नो। हम एक एक साल की फीस इकट्ठी देते हैं। जैसे अगर हम जैसे मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ तो जब मेरी फीस है अराउंड 2 लाख, तो मैंने 11 लाख इस साल दिए थे, पिछले साल दिए थे, एंड 11 लाख मैं इस साल दूंगा, एंड वो 11 लाख स्ट्रेट देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ऐसा करते हैं 2 लाख अभी दे देते हैं, 5 लाख में लोन की फैसिलिटीज हैं बैंक्स दे देते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली पे। उसमें भी काफ़ी जो शॉर्ट ड्यूरेशंस होती हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको कोई महीना दे रहा है या 2 महीने दे रहे हैं पे करने के लिए, ठीक है। एंड यू गेट अराउंड 10-15 डेज टू पे द अमाउंट, ठीक है। एंड बैंक्स जो अच्छे बैंक्स हैं दे प्रोसेस जो उन बैंक जो लिंक्ड होते हैं, जैसे मेरे NMIMS के साथ SBI की ब्रांच है वो लिंक्ड है, NMIMS की SBI की विले पार्ले ब्रांच है एंड दैट इज लिंक्ड। आप वो आप आई गेस विद इन 24 आवर्स विद इन मैक्सिमम 48 आवर्स आपको लोन पास हो जाता है एंड डिड गेट पेड। हाँ अगर आप 1 साल की एग्जीक्यूटिव MBA कर रहे हो उसमें ऑब्वियसली जैसे मैंने ग्रेट लेक्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था एंड उसमें अराउंड थी आई गेस 17 या 18 लाख फीस थी जहाँ तक मुझे याद है। एंड उसकी 18 लाख में तो उसमें ऐसा था कि विद इन ऐसे कुछ 1.5 मंथ का स्पैन दिया था कि अभी स्टार्टिंग में 2 लाख कर दो, फिर 5 लाख कर दो, फिर तीन चार लाख और कर दो, फिर लास्ट की किस्त में, मतलब ऐसे मार्च से शुरू होते होते अप्रैल एंड तक, अप्रैल मिड तक आप पूरी 2 महीने देते थे हमें 17-18 लाख भरने को, वो भर दो बेसिकली। एंड उसके बाद आपकी मई आई गेस मई में शुरू हो जाता है। हाँ तो जैसे ग्रेट लेक्स में तो 1 ईयर की MBA इट स्टार्ट, 1 ईयर की MBA क्या बोलूँ, PGPM बोल दूँ, इट स्टार्ट इन मई, तो वो 1 साल की फीस उसमें भी इकट्ठी जाती है। बस ये है कि इसमें 2 महीने मिल जाते हैं, पर मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज जो MBA जैसे MBA है 2 साल का कोर्स है उसमें 1 साल की फीस ठक, चाहे वो 20 लाख है तो 10-10 लाख होगी या 9-11 हो सकती है, पर ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो लोन क्या बंदोबस्त करके रखें और समझ लें कि स्कीम कैसे है। एक 18 अगर आपके पास अमीर लोग हैं आप तो इकट्ठे पैसे दे सकते हैं। चलो आई होप कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।